What's up guys? आज हम देखने वाले हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो अपने ही देश का अपमान कर रहे हैं. सेलिब्रिटीज इंसल्टिंग देयर ओन कंट्री. ओ भैया तो कौन कौन है इस लिस्ट में, देखते पूरी वीडियो. फैक्ट भाई के चैनल से ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में. वीडियो को कर दें लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब. 1 2 3 गो. कभी शाहरुख खान देशद्रोही कहलाए? शाहरुख खान नहीं है, कई ऐसे लोग जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है. कभी अली फजल ने खुद एंटी इंडिया नारे लगाए? कभी खुद दीपिका जेएनयू के प्रोटेस्ट में खड़ी हो गई? बॉलीवुड और भारत का पंगा यूं ही कई बार देखा गया है. इसी में जब एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने इंडियन आर्मी का मजाक उड़ाया, तब सिर्फ एक ट्वीट की वजह से उन्हें जेल का रास्ता दिखाया गया. हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई. और कहीं आमिर खान इंडिया को एक डिप्रेसिंग देश कह रहे हैं, तो कहीं नोरा फतेही तिरंगे को अपनी कवर में पहन रही हैं. आखिर आए दिन बॉलीवुड के एक्टर्स भारत देश का अपमान क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं. नंबर वन, नॉट सो वाव. एक वक्त था जब नवाब इतिहास लिखते थे, लेकिन आज के नवाब उनके लिए तो इतिहास ही झूठा है. ऐसी बिना सर पैर वाली बात सैफ अली खान कर बैठे. जब पहले उन्होंने अपने आप को एक इतिहासकार बताया और फिर बयान दिया कि ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं था. I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. अब फैक्ट भाई तो इनकी बात सुनकर इन्हें इतिहासकार नहीं हास्यकार कहेगा. क्योंकि भैया इंडिया का कॉन्सेप्ट कोई 100-200 साल पुरानी बात तो है नहीं. भारत का उल्लेख विष्णु पुराण और ऋग्वेद में भी किया गया था. और अगर सैफ कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया का कोई वजूद नहीं था, तो वास्को डी गामा ने क्या गलती से इंडिया को ढूंढ लिया? मतलब इस नवाब ने तो इतिहास को आसानी से झुठला दिया. वैसा ही कुछ प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने शो क्वांटिको के द्वारा किया. पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि सही मायने में भारत अमन शांति की राह पर चलता है, लेकिन प्रियंका के शो ने बताया कि एक इंडियन आदमी पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेरर अटैक के मामले में फंसा रहा है. और जब शो के मेकर्स को पता चला कि इस बात में कोई सेंस नहीं है, तब उन्होंने माफी मांगना ठीक समझा. नंबर टू, भाईचारा वोट. कला सीमा नहीं जानती. अब सीमा तो सीमा हैदर भी नहीं जानती, लेकिन वो विषय किसी और दिन. लेकिन 2022 में कला और सीमा के विवाद पर रणवीर कपूर बहुत एक्साइटेड नजर आए, जहां उन्होंने बयान दिया कि वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी मूवी मौला जट को भी खूब बधाई दी. जैसे ही रणवीर के ये स्टेटमेंट इंटरनेट पर वायरल होने लगे, उनके फैंस ने रणवीर को राष्ट्र विरोधी कह दिया. अब चाहे रणवीर ये सब भाईचारा बढ़ाने के लिए कह रहे होंगे, लेकिन शायद रणवीर भूल गए कि हर दिन हमारे सैनिक सरहदों पर अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं. चलो रणवीर इससे सबक सीख गए होंगे, पर स्वरा भास्कर नहीं सीख पाई, जिन्होंने इंडिया में पाकिस्तान की बुराई की. पाकिस्तान इज लाइक अ फेलिंग स्टेट. और पाकिस्तान जाकर ये कहा कि पाकिस्तान को एक दुश्मन देश नहीं समझना चाहिए. जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है. और तो और वो ये भी कह बैठी कि लाहौर के सामने सब शहर फेल हैं. काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने. पर भाई लोग, ये फैक्ट भाई कुछ कहेगा तो शायद कोई बुरा मान जाए. इसीलिए ऐसे बयानों के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट में बताओ. नंबर थ्री, इंडिया की शान. लेकिन ना सिर्फ नोरा फतेही के सामने झंडा नीचे फेंका गया, पर बाद में नोरा ने तिरंगे को उल्टा पकड़े रखा. और एक पल आपको ऐसा भी लगेगा कि वो तिरंगे को अपने कमर पर बांधने जा रही हैं. तिरंगे का ऐसा अपमान देख कई लोगों ने नोरा को इंटरनेट पर ट्रोल करना शुरू किया. लोगों ने तो ये तक कह दिया कि जो इंसान फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, वो उसके लायक नहीं. यानी तिरंगे के साथ नो बदतमीजी. लोग ऐसे ही उत्तेजित हुए थे जब उन्होंने शिल्पा शेट्टी को चप्पल पहनकर ध्वज वंदन करते देखा. पर इसकी सफाई देते हुए शिल्पा ने कहा कि ध्वज वंदन के दौरान चप्पल पहनना कोई गुनाह नहीं. चलो रूल्स के हिसाब से शिल्पा बच गई, लेकिन नोरा का क्या? अगर हम राष्ट्र ध्वज के अपमान में मिलने वाली सजा को देखें, तो या तो आपको 3 साल की सजा होगी या फिर फाइन भरनी पड़ेगी. पर नोरा फतेही को इनमें से कोई सजा नहीं मिली. यानी क्या बॉलीवुड के सुपरस्टार जब भी चाहें इंडिया को बदनाम कर सकते हैं, या उन पर कोई कानून लागू नहीं होता? नंबर फोर, अब सहा नहीं जाता. अगर शाहरुख खुद समझ जाते कि कैसा देश है उनका, तो वो ये ना कहते कि भारत में उन्हें खतरा महसूस होता है. कि आवाज ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई. शाहरुख के इस बयान ने न सिर्फ आपको लेकिन फैक्ट भाई को भी हिला दिया है. ये न सिर्फ फैंस का लेकिन देश का भी अपमान था. इसीलिए खुद योगी आदित्यनाथ जी ने SRK को देशद्रोही कर डाला और एंटी नेशनल करार दे दिया. शाहरुख खान जैसे लोग
जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि देश में नफरत की आग देखकर एसआरके ने साफ किया कि असल में वो बस फ्यूचर जनरेशन की सेफ्टी की बात कर रहे हैं। जनता है जो अब 25 साल की है, उनको अगर मैं कोई सीख दे सकूं तो वही है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स और जेंडर कोई भी डिफ्रेंसिएशन ना करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन आमिर खान का क्या, जिन्होंने कहा कि उनकी बीवी आई मीन एक्स बीवी इंडिया छोड़ना चाहती है। फॉर द फर्स्ट टाइम किरण सेज शुड वी मूव आउट ऑफ इंडिया। और तो और आमिर ये भी कह बैठे कि इंडिया में रहकर उन्हें डिप्रेस फील होता है। वन पार्ट ऑफ इट इज अलार्म, देयर इज अनदर पार्ट यू फील डिप्रेस्ड, यू नो यू फील लो। अब इस पे जनता भड़कती, उससे पहले उनके को एक्टर परेश रावल ही भड़क उठे। चलो मान लिया कि इंसान से गलती एक बार हो सकती है, लेकिन 2020 में ऐसी ही गलती आमिर फिर कर बैठे। लाल सिंह की शूटिंग के दौरान आमिर टर्की के प्रेसिडेंट की बीवी को मिले, जो असल में मानती है कि कश्मीर पाकिस्तान का है। अब आप ही बताओ, गलती या देश का अपमान? नंबर 5, हमसे ना हो पाएगा। जवान सरहद पर होते हैं तभी हम चैन से सोते हैं, लेकिन ये बात ऋचा चड्ढा को कौन समझाएगा, इनके लिए सब मजाक है। तो गेम बजाना पड़ेगा। जब इंडियन सोल्जर उपेंद्र द्विवेदी ने ट्वीट किया कि हम किसी भी हाल में पीओके को पाकिस्तान से रिहा करवाएंगे, तब ऋचा ने उसे रीट्वीट करके एक कैप्शन लिखा, गलवान सेज हाय। बालो, गलवान वो जगह है जहां इंडिया चाइना युद्ध में कई जवानों ने अपनी जानें गंवाई। यानी ऋचा का मतलब साफ था कि कश्मीर को छीनना मतलब जान गंवाना। अब सीधी सी बात है कि ऋचा ने इससे न सिर्फ इंडियन आर्मी का अपमान किया, लेकिन पुराने जख्मों को भी ताज़ा कर दिया। इसीलिए इन पर तुरंत अरेस्ट वारंट निकालने की मांग की गयी। की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करे। मगर हालात उससे ज्यादा गर्म हो, ऋचा ने माफी मांग ली। लेकिन उनके पति अली फजल ऋचा से भी आगे निकल गए। इन्होंने इंडिया के बाहर जाकर इंडिया के बीच इंडिया का सीए लॉ का प्रोटेस्ट किया। और जब इनके शो मिर्जापुर को बायकॉट किया गया, तब अली बोले कि वो एक आर्टिस्ट हैं और सवाल उठाना उनका काम है। अब मियां बीबी ही नहीं राजी तो क्या ही कहे फैक्ट भाई जी। नंबर 6, कन्फ्यूजी आ गए। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद वहां 3400% टूरिज्म का बढ़ावा नजर आया, पर शायद ये आंकड़ा और भी ज्यादा होता अगर रणवीर सिंह लोगों को गलत एड्रेस ना देते। हालांकि इनकी लापरवाही सबके सामने नहीं आती, अगर कमेंट सेक्शन में एक शाख अश्नीर ग्रोवर की एंट्री ना होती। इस भाई साहब ने रीट्वीट तो वीर दास के पोस्ट को किया था, लेकिन चालाक लोग समझ गए कि अश्नीर के शिकार पर रणवीर थे। हुआ यूं कि रणवीर ने एक फोटो अपलोड करके लक्षद्वीप की तारीफ कर दी, लेकिन असल में वो फोटो था मालदीव का। इसी बात को लेकर अश्नीर ने लिखा कि कई सेलिब्रिटीज जानते ही नहीं कि आखिर लक्षद्वीप आया कहाँ। सीधी सी बात है कि रणवीर जैसे बड़े एक्टर्स जब ऐसी गलती करेंगे तो किसी को भी झटका लगेगा। ऐसा ही झटका जैसा दीपिका पादुकोण ने दिया था रणवीर को नहीं, लोगों को। ये तब हुआ जब छपाक के प्रमोशन के दौरान दीपिका जेएनयू के एक प्रोटेस्ट में चली गयी। इस प्रोटेस्ट में कई एंटी नेशनल नारे भी लगे, लेकिन फिर भी दीपिका ने उनका समर्थन किया। मगर इसके बाद दीपिका को बायकॉट का सामना करना पड़ा और उनकी फिल्म तुरंत फ्लॉप हो गई। नंबर 7, कंगना का हमला। देखकर लगता है ना कि कंगना फुल टू देश के सपोर्ट में है। ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह। अब इससे पहले कि उनपे कोई किसी भी प्रकार का आरोप डाले, कंगना ने यूएनओ रिवर्स करके ऑडियंस को ही एंटी नेशनल घोषित कर दिया। ये बस इसलिए क्योंकि उनकी फिल्म तेजस एक सुपर डुपर फ्लॉप हो गई थी। उनके मुताबिक मूवी को सिर्फ वो नहीं देखेगा जो एक एंटी नेशनलिस्ट होगा। तो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल, जो जिसे कह सकते हैं तत्व है, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। और अभी तो रुकिए, कंगना ने मीडिया वालों पर भी एंटी नेशनल का दाग लगाया हुआ है। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिच जाते हो। लेकिन इतना काफी कहाँ, उनकी माने तो बॉलीवुड वाले भी एंटी नेशनलिस्ट हैं। इनके ऐसे ही स्टेटमेंट्स की वजह से उन्हें 30 से 40 करोड़ रुपए के ब्रांडिंग का लॉस हुआ। यानी कंगना की माने तो वो इकलौती देशभक्त हैं और बाकी सारे एंटी नेशनलिस्ट। पर जैसे कंगना ने बाकियों पर इल्जाम लगाया, वैसे ही कई पार्टीज ने कंगना पर। ये तब हुआ जब कंगना ने कहा कि 1947 में मिली आजादी एक भीख थी और असल आजादी लोगों को 2014 में हासिल हुई। इससे नाराज होकर नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कह डाला कि कंगना का पद्मश्री अवार्ड वापस ले लो और उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दो। मतलब कंगना पर भी रिवर्स यूएनओ। तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। नंबर 8, कभी इधर तो कभी उधर। इधर चला मैं, उधर चला,
इतनी सी कहानी है अक्की बाजी की, जो कभी इंडियन कहलाते हैं तो कभी कनाडा के पुत्र। अक्षय के कनाडा जाने के पीछे का रीजन तोतला सेठ का उधार नहीं, 13 से 14 फ्लॉप फिल्में थी। इसके बाद उनके एक कनाडियन दोस्त ने उन्हें बिजनेस के लिए कनाडा आमंत्रित किया। अब यहाँ तक तो अक्षय समझ बैठे थे कि अब उनका बॉलीवुड करियर खत्म हो चुका है। अक्षय ने जय भद्रकाली कहकर और 2 फिल्म रिलीज कर डाली। ये फिल्म इतनी सुपरहिट निकली कि अक्षय इंडिया वापस आ गए, मगर तब तक अक्षय कनाडा के सिटीजन बन चुके थे। लेकिन जब उन्हें सभी ने ट्रोल करना शुरू किया, तब अक्षय ने इंडिया की सिटीजनशिप वापस ले ली। उन्होंने ये भी बताया कि कनाडा के होकर भी वो इंडिया के लिए हाईएस्ट टैक्स पेयर थे। चल झूठा, मगर टैक्स भरने के लिए पैसे भी तो इंडियन ऑडियंस से ही मिले थे, राइट? ऐसे ही श्रीलंकन सिटीजन जैकलीन भी कर रही हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में नामो शोहरत तो कमा लिया, मगर ये इंडियन नहीं होना चाहती। तो भाई लोग, ये थे बॉलीवुड एक्टर्स जिन्होंने कभी ना कभी देशद्रोह जैसे अपराध का सामना किया है। पर इनमें से कुछ ऐसे भी है जो आपस में अपने पार्टनर्स का भी आए दिन अपमान करते हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आई बटन पर। भाई देखो, कुछ लोग तो करते हैं राजनीति के लिए, कुछ लोग करते हैं फंडिंग की वजह से। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा सैफ का, लेकिन मुझे वो लगा सैफ कि का तो मुझे मिसअंडरस्टूड। सैफ ने कहा था इंडिया का कॉन्सर्ट, मुझे लगता है वो जैसे इंडिया को भारत कहते थे हमेशा, हिंदुस्तान कहते थे, मतलब तो उस सैफ अली खान ने इंडिया जो बोला, इंडिया कॉन्सेप्ट, उसने बोला कि अंग्रेजों के बाद भारत को इंडिया बोलना जाना चाहिए, उस वजह से बोलते। चलो वहां पर हम ये डाउट, मेरे हिसाब से बेनिफिट ऑफ डाउट ही हो गया। लेकिन सच्चाई मुझे लगता है कुछ लोग तो सिर्फ पॉलिटिक्स में कूदने के लिए प्रोटेस्टों में शामिल हो जाते हैं कि पॉलिटिक्स में कूदेंगे भैया, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, कुछ ऐसा है, स्पेशली जो एक्टर एक्ट्रेस हैं थोड़ा लाइमलाइट में रहते हैं, लाइमलाइट में ले। और कई बार क्या होता है, अली थे वो, जैसे हमें देखो कोई ट्रेंडिंग वीडियो होते हैं हम उस पर रिएक्शन करते हैं, कोई मूवी का ट्रेलर आया एकदम से, कोई गाना आया ट्रेंडिंग, हम रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो उस... नहीं लगता कि नहीं करना, नहीं, लेकिन कुछ मुझे लगता है कुछ सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर ऐसा करते हैं, भले ही नेगेटिव कमेंट कर दो, एंगेजमेंट बढ़ जाएगी हमारी, या फिर हमें क्या बोलते हैं एकदम से अकाउंट रीच बढ़ जाएगी। तो और वो चीज मुझे ऋचा चड्ढा के केस में लगी थी, वो बहुत सेंसलेस ट्वीट था, इसके ऊपर मेजर गौरव सर ने बहुत भयंकर लताड़ा था, ये चीज देखी गई थी। तो भैया कुछ भी आप करते हो इंटरनेट की दुनिया में, तो आप थोड़ा तरीके से करो, थोड़ा तरीके से। आपको कोई गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी करना एक तरीका होता है, लेकिन आप मजाक बना रहे हो, आप मजाक बना रहे हो सोल्जर्स का, आर्मी का मजाक बना रहे हो, वो कभी भी टॉलरेट नहीं होता। और जेएनयू के वहां पर जब दीपिका पादुकोण गई थी, उसके ऊपर बहुत ट्रोल हुआ था, रणवीर सिंह ने मालदीव की फोटो लगा के वो कर दिया था, अश्नीर ने कहा रुको भाई। एक चीज तो है, अश्नीर ग्रोवर की ना थग लाइफ बढ़िया लगती है मुझे, वो गजब मोमेंट रहता है। आई एम श्योर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको, बहुत कुछ पता भी लगा होगा वीडियो के थ्रू। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताएगा, कहां से देख रहे हो ये भी बताना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जरूर लिख देना। बाय बाय, टेक केयर।